रिसेंटली पार्टनरशिप फर्म्स ने मेजरली एक चैलेंज फेस किया जब ITR फाइल करी उन्होंने, उसके बाद जब अब ITR प्रोसेस हुई तो एरर के साथ प्रोसेस हुई, साथ में काफ़ी फर्म्स के लिए तो टैक्स पेबल बन गया, और रीज़न था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ग्लिच। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या ग्लिच था, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और इसके लिए डिपार्टमेंट ने क्या सोल्यूशन दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हे एवरीवन, दिस इज नेहा गुप्ता, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आई होप आप सब लोग फिट होंगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसेंटली पार्टनरशिप फर्म्स ने मेजरली प्रॉब्लम फेस करी जब ITR फाइल करी, उसके बाद जब अब ITR प्रोसेस हुई तो विद एरर प्रोसेस हुई। नोटिस आ गए इतने सारे लोगों को, इतने सारे फर्म्स को, जहाँ पर बोला गया जिन लोगों ने इवन सेक्शन 80P की डिडक्शन ली भी नहीं थी, उन लोगों को बोला गया कि आपने 80P की डिडक्शन गलत ले ली है, रॉन्ग क्लेम करी और उनसे टैक्स मांगा गया, एंड काफ़ी लोगों ने तो इस पर टैक्स पे कर भी दिया। जैसे ही डिपार्टमेंट को इस बात का पता लगा, उन्होंने जल्दी से इसके लिए भी एक एक्शन लिया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये एक सॉफ्टवेयर ग्लिच है, इस पर आप ध्यान ना दें, जल्द ही इसके लिए आपको एक ईमेल आ जाएगा। एंड ऐसा हुआ भी, ईमेल आया भी। ईमेल का स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ईमेल को जिस तरीके से था, हेडिंग थी पैन नंबर, एरेनियस एडजस्टमेंट कम्युनिकेशन इशूड, डियर टैक्स पेयर, वी रेग्रेट द एरेनियस एडजस्टमेंट कम्युनिकेशन हैज बीन इशूड फॉर द रिटर्न फाइल ऑन डैश डैश डेट एज पर द इंटीमेशन इशूड बाय DIN नंबर डैश डैश, दिस इज करेक्टेड नाउ एंड द रिटर्न विल बी टेकन अप फॉर प्रोसेसिंग शॉर्टली, प्लीज वेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द 143(1) प्रोसेसिंग इंटीमेशन, प्लीज इग्नोर द कम्युनिकेशन सेंट ऑन द लास्ट डेट। सो डिपार्टमेंट के लिए तो ये कहना बहुत ईजी हो गया, बट शायद डिपार्टमेंट को अंदाजा भी नहीं होगा कि जिन क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ उन्होंने CS को कितना फॉलोअप किया, CS के लिए काम कितना बढ़ गया होगा। बट एक सॉफ्टवेयर ग्लिच था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, अब ये चीज़ रिजॉल्व हो चुकी है। सो सॉफ्टवेयर ग्लिचेस की वजह से भी काफ़ी लोगों को पे करना पड़ जाता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ये हमें बता रहा है कि जिन लोगों ने इसके अगेंस्ट टैक्स पे कर दिया उनको रिफंड दे दिया जाएगा, क्या आप इंटरेस्ट भी रिफंड करने वाले हैं इसके अगेंस्ट? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट का क्या होगा। ऑल दो हो सकता है कि आप 10 दिन में ही दे दे, 20 दिन में ही दे दे, बट जब टैक्स 10 दिन डिले होता है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है पूरे मंथ का, तो रिफंड में भी यहाँ पे डिले है, डिले क्योंकि वो गलत लिया गया, तो यहाँ पे इंटरेस्ट डिजर्व करती है जनरल पब्लिक। सो लेट्स सी क्या होता है। एंड अगर आपके साथ भी, आपको भी एरर आया था, आपने टैक्स पे कर दिया और अब आपका रिफंड आता है, डू लेट मी नो विद इंटरेस्ट आया, विदाउट इंटरेस्ट आया। एंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ऑल्सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी, तो या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 8375831676। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।